ओके भाई, स्वागत है तुम्हारा एक और नए ब्लॉग में। और आज है सैटरडे। सैटरडे वाले दिन हम नेक भी ट्रेन करते हैं, तो आज वो मसल्स ट्रेन करनी है जो शायद बहुत ज़्यादा हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसमें से एक है ट्रैप्स, फिर तुम्हारे फोरआर्म्स और नेक। ये तीन मसल ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर दी जाती हैं, तो इन्हें आज ट्रेन करेंगे। बाकी मेन जो मूवमेंट रहने वाला है मेजर, वो होगा बैक का। तो बैक के तीन मूवमेंट करेंगे, फोरआर्म्स के दो रखेंगे और ट्रैप्स का एक रखेंगे, और अगेन नेक का एक या दो रखेंगे, वो तो लेटे लेटे ही हो जाती है। तो ये चीज़ तुम देखोगे। बाकी अभी हम यहाँ पे प्री कर रहा साला। और हाँ, आज हमें अपना क्या कहता है, अभी बात करी थी तो हमें अभी अपना, हमने सोचा था ये कि जब हमारा पीक वेट 100 हिट करेगा, तो अभी हमारा पीक वेट 100 है, मतलब कि एज एन जब दिन का मैक्सिमम वेट रहता है, तो उसमें हमारा 100 किलो हिट कर चुका है। तो तब हमने सोचा था कि ब्लड वर्क करवाएंगे, जिसमें जो तुम्हारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, हार्ट हेल्थ वगैरह, या फिर तुम्हारा जो लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ऐसी SGBT, तो यही टेस्ट करवाने थे। तो वो भी हमें कल करवाना है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। मेरे ख्याल से हमने आखिरी बार करवाए थे, मेरे ख्याल से जब अपना पीक बल्क था आखिरी वाला, जब हमने 50 डेज का बल्क किया था, तब हमने करवाया था। और तब तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और उससे पहले भी हमने करवाया था, जब बल्क शुरू किया था तब हमने करवाया था, तब भी सब चीज़ें नॉर्मल निकली थी। तो अभी भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि 1,000-1,500 रुपये लगते नहीं है सही बताएं तो। और 1,500 में तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, स्पेशली तुम जिम को कंसिडर करो, जिस तुम्हारे किडनी होती है और तुम्हारा लिवर होता है और हार्ट, ठीक है, यही चीज़ तुम्हें मेन चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं, तो वो चीज़ें पता चलेंगी उसमें। और मान के चलो थोड़ी थोड़ी फटती भी है, कि मान के चलो ऐसी चीज़ है कि जिसकी तैयारी तुम सालों से कर रहे हो और उसी का टेस्ट है। तो हालांकि हमारा हमेशा सही आता है और हम ट्राई भी करते रहते हैं, तुम्हें पता ही है कि कार्डियो वगैरह भी हमें करते रहते हैं सारी चीज़ें, बट फिर भी टेस्ट टेस्ट होते हैं, जो कि तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए करवाने चाहिए, ना कि ज़रूरत के लिए कि जब बीमार पड़ो तभी कराओ। तो हाँ, साल के मान के चल सकते हो तुम 2 या 3 बार करवा सकते हो 3 महीने के गैप पे। और हमें तो देखा जाए तो 90 दिन तो इसी सीरीज़ को चालू करे हुए हो चुके हैं अब तक, तो वो भी है। बाकी बस भाई, आज बैक ट्रेन करेंगे पहले, तो वो तुम देखोगे। और अभी चुनू ने काट रहा है बहुत अच्छे से, तो जल्दी शुरू करते हैं। ओके भाई, सीन ऐसा है कि पहला वर्कआउट, पहला जो वो कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो है अंडर हैंड लैट पुल डाउन। मशीन सेलेक्ट करिए, क्योंकि इस पर कॉन्ट्रेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, थोड़ा स्टेबल मूवमेंट लगता है जो तुम्हारी नॉर्मल लैट पुल डाउन मशीन होती है। दोनों के अलग फ़ायदे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज बुरी या अच्छी नहीं होती, हर एक्सरसाइज के कुछ अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो इसमें थोड़ा स्टेबल और कॉन्स्टेंट मूवमेंट फील करते हैं, तो ये चीज़ है। ओके भाई, तो इस दूसरा मूवमेंट कर रहा है वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज। और इसमें एक चीज़ आ रहा है कि इधर अपनी जो एल्बोज़ हैं वो थोड़ी क्लियर आउट कर रहा है, यानी अपर फोकस थोड़ा आए, ये मज़ेदार है। इतना वेट ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैक्सिमम शायद 75 या 80 जाएंगे, और 40 से हमने स्टार्ट किया है, तो 40, 60, 70 और 80 ये रहेगा। Ah
ओके भाई, तो जो तीसरा मूवमेंट कर रहे हैं बैक का, या फिर आखिरी कह लो, वो है पुल ओवर। पुल ओवर हमें काफ़ी सही एक्सरसाइज लगती है, स्पेशली बैक को लेके, क्योंकि इसमें हमें फील होता है, स्पेशली जब आखिरी में इंगेज करते हैं, जो आखिरी वाला पार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ पर तुम्हारी ऑलमोस्ट पूरी बैक कॉन्ट्रैक्शन में होती है, और वो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, वो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा फील होता है हमें। जो अगला मोमेंट करने वाले हैं वो ट्रैप्स के लिए है। अगेन बार ट्रैप शिरक करेंगे इस पे। ओके भाई, तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, हम कोशिश तो कर रहे हैं तेज़ बोलने की, पर ये साला गाना जो है हरामी पीछे बहुत तेज़ बज रहा है, तो कॉपीराइट आना तो तय है, पर तुम सुन लो। अभी हम कर रहे हैं बारबेल स्ट्रक्स, अगेन थोड़ी सी ग्रिप वाइड रख रहे हैं नॉर्मल, जैसे ये तुम्हारी शोल्डर वेट हुई, इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइड, और कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। इसमें तुम हैवी जा सकते हो तो हैवी जाने की कोशिश करना। रिप रेंज थोड़ा फेली रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 10 से ऊपर ही जा रहे हैं हर हाल में। आखिरी के सेट में शायद हम 6 या 8 निकाल पाएंगे, बट फिलहाल के लिए तो 10 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था आज, पूरी प्रॉपर हमने सारे मूवमेंट्स परफॉर्म किए विद द 9 chain रैप्स, जिसमें से 3 थे बैक के मूवमेंट और फिर 2 थे ट्रैप्स के, फिर 2 ही थे फोर आर्म्स के, एंड 2 ही थे नेक के। छोटी मसल ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा मूवमेंट किया था हमने। बाकी तुमसे मिलता है।